अस्सलाम वालेकुम, वेलकम यूट्यूब माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हैरत से होंगे और बहुत खुश होंगे। हाँ जी, तो आज हमारे किचन में बन रहा है कैरेट कस्टर्ड पुडिंग, जो कि इंतहाई मज़े का है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 kg दूध लिया है, ये मैंने खुला दूध लिया, आप चाहे तो डिब्बे का दूध भी ले सकते हैं। 1 प्याली मैंने चीनी ली है, आधी प्याली मैंने ड्राई मिल्क पाउडर लिया है, ये दूध मैंने थोड़ा कस्टर्ड पाउडर के लिए बचाया था। 1/2 kg गाजर है, आधा टिन कर्नट्स मिल्क है, ये ड्राई फ्रूट हैं, 2 tablespoon वनीला कस्टर्ड पाउडर है। ये दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। दूध में जैसे ही बॉयल आएगा मैं इसमें गाजर डाल दूंगी। ये देखिए दूध में बॉयल आ चुका है, अब मैं इसमें गाजर डाल रही हूँ। बस गाजर डालने के बाद इसको एक जोश आने तक पका लें। ये देखिए इसमें जोश आ चुका है, अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। अच्छा, मैं चीनी 1 प्याली डाल रही हूँ, आप 1 प्याली नहीं डालिएगा, आधी प्याली डालिएगा, क्योंकि इसमें कंडेंस मिल्क भी डलता है तो ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। मेरे घर वाले थोड़ा मीठा तेज़ खाते हैं तो इसलिए मैं 1 प्याली डाल रही हूँ, आधी प्याली डालिएगा। बस चीनी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखें पकना स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें ड्राई मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। बस ड्राई मिल्क पाउडर डालने के बाद मैं इसको लो फ्लेम पर तकरीबन 15 से 20-25 मिनट तक के लिए रख दूंगी। ये देखिए 15-20 मिनट बाद ये देखिए हमारी गाजर बिल्कुल गल चुकी हैं। अब मैं इसमें कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ। कस्टर्ड डालकर इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। बस कस्टर्ड डालने के बाद मैंने इसको गाढ़ा होने तक पका लिया। ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, हमारी गाजर भी बिल्कुल गल चुकी हैं। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। बस कंडेंस मिल्क डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। इसके ऊपर मैं थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। ये देखिए हमारा कस्टर्ड कैरेट कस्टर्ड पुडिंग बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।